हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरजे नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स Q7 के बारे में, जिसमें टॉप 25 प्रीवियस एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस आज बात करेंगे, और इसमें एक या दो क्वेश्चन आपको करने को दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर कॉन्जिनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस एक्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसके बारे में ट्रू कथन के बारे में पूछा गया है, और एक्सेप्ट और दे दिया है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। तो एक्सेप्ट ज्ञात कर लेते हैं अपन। ऑप्शन है नॉन बिलस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ऑप्शन बी हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस विथ पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया, ऑप्शन सी मोर कॉमन इन गर्ल्स, एंड ऑप्शन डी फ्रिडेट रामस्टेड पाइलोरोमाइटोमी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोर कॉमन इन गर्ल्स, क्योंकि ये गर्ल्स के अंदर मोर कॉमन नहीं होता है, दोनों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ट्यूमर मार्कर ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर क्या होता है? ऑप्शन है AFBP, CEA, HCG, CA19। तो इसका ट्यूमर मार्कर होता है आंसर ए AFP। अब बात करते हैं और जो भी कैंसर के ट्यूमर मार्कर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ट्यूमर मार्कर है CA159। ये किसका ट्यूमर मार्कर है? ये है ब्रेस्ट कैंसर का। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं CA199। ये किसका ट्यूमर मार्कर है? ये है GIT के अंदर, GIT का ट्यूमर मार्कर है, जैसे उसके अंदर जो डिजीज होती है पेनक्रियाटिक एंड लीवर कैंसर, जिसका ट्यूमर मार्कर है CA199। ये क्वेश्चन CA199 ये एम्स दिल्ली के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2017 के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं CA125। ये किसका ट्यूमर मार्कर है? ये है ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर होता है। ओके, ओवेरियन कैंसर। तो आई थिंक ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, CA153, CA199 एंड CA125। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है एब्सेंस ऑफ मेसेंट्रिक गैंग्लियन इज सीन इन। मेसेंट्रिक गैंग्लियन किसके अंदर एब्सेंट होती है? ऑप्शन है क्रोन्स डिजीज, ऑप्शन बी अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन सी स्प्रंग डिजीज, एंड ऑप्शन डी इनटू सब्सन। तो इसका राइट आंसर है स्प्रंग डिजीज। ओके, स्प्रंग डिजीज के अंदर क्या होता है? गैंग्लियन की मेसेंट्रिक नर्व एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्मेग्मा इज सिक्रेटेड बाई, स्मेग्मा किस कहाँ से सिक्रेटेड होती है, किसके द्वारा सिक्रेट होती है? ऑप्शन ए टाइसन ग्लैंड, ऑप्शन बी ब्रेनर ग्लैंड, ऑप्शन सी काउपर्स ग्लैंड, एंड ऑप्शन डी बार्तुलिन ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, जो स्मेग्मा होता है ये क्या होता है? ये एक सिक्रेशन होता है जो कि क्लाइटोरियस इन फीमेल एंड पेनिस इन मेल की जो फोर स्किन होती है उसके नीचे एक सिक्रेशन पाया जाता है, वहाँ उसको स्मेग्मा कहा जाता है। तो ये टाइसन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए 21-year-old फुटबॉल प्लेयर रिसीव ए हार्ट किक इन द एपिगैस्ट्रियम। एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि एक हार्ड किक मिल जाता है उसको एपिगैस्ट्रियम रीजन के वहाँ पर। ए लार्ज सिस्टिक स्वेलिंग अपीयर्ड इन द एपिगैस्ट्रियम 2 weeks later।
और उसके 2 वीक बाद में उसकी जो एपिगैस्ट्रियम जो रीजन है वहाँ पर एक सिस्टिक स्वेलिंग अपीयर हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा उसका? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइडेटिक सिस्ट ऑफ लीवर, ऑप्शन बी एमोबिक लीवर एब्सेस, ऑप्शन सी स्यूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट, ऑप्शन डी हेमेटोमा ऑफ रेक्टस सीथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्यूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सर्कमसीजन इज डन इन ए चाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सर्कमसीजन किस किस कंडीशन के अंदर चाइल्ड के अंदर किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन है फिमोसिस, रिकरेंट बेलनाइटिस, ऑप्शन सी पेराफिमोसिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। अब बात करते हैं सर्कमसीजन क्या होता है। सर्कमसीजन होता है कि जो अनरिट्रैक्टेड स्किन ऑन द मीएटस होता है जिसको फिमोसिस कहा जाता है, अनरिट्रैक्टेड स्किन ऑन द मीएटस, ओके। तो उसकी जो सर्जरी की जाती है उसको कहा जाता है सर्कमसीजन। जो वो अनरिट्रैक्टेड स्किन होती है उसको हटाया जाता है, उसको सर्कमसीजन कहा जाता है। तो सर्कमसीजन किस किस कंडीशन के अंदर चाइल्ड के अंदर की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, क्योंकि फिमोसिस के अंदर भी सर्कमसीजन किया जाता है, रिकरेंट बेलनाइटिस के अंदर किया जाता है, पेराफिमोसिस के अंदर भी इसको किया जाता है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए 59-year-old स्मोकर केम विथ ए हिस्ट्री ऑफ पेनलेस ग्रोस हिमेचूरिया फॉर 1 डेज। एक 59-year-old स्मोकर जिसकी हिस्ट्री क्या है, पेनलेस ग्रोस हिमेचूरिया, ओके पेनलेस है और ग्रोस हिमेचूरिया है, ब्लड के यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा बहुत ज़्यादा, फॉर 1 दिन, 1 दिन से। मोस्ट लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस वुड बी, तो उसका इन्वेस्टिगेशंस क्या होगा लॉजिकल? ऑप्शन है यूरिन रूटीन, प्लान एक्सरे, KUB किडनी यूरिन एंड ब्लैडर एंड ऑप्शन सी USG KUB एंड ऑप्शन डी यूरिन माइक्रोस्कोपी फॉर मेलिग्नेंट सिस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरिन माइक्रोस्कोपी फॉर मेलिग्नेंट सिस्टोलॉजी, ओके। ग्रोस हिमेचूरिया हो रहा है तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यूरिन माइक्रोस्कोपी फॉर मेलिग्नेंट सिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए मेल एग्जीक्यूटिव 51 ईयर ऑफ एज इज सीन इन कैजुअलिटी विथ हाइपोटेंशन एंड हेमेटेमेसिस। एक 51 ईयर का एक पेशेंट है उस जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है और उसको हाइपोटेंशन है और एक हेमेटेमेसिस है। देयर इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सजेस्टिव ऑफ एल्कोहल इनटेक ऑफ 100 ml डेली, और इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो है कि वो 100 ml डेली का एल्कोहल इनटेक करता है। द ब्लड लॉस इज अराउंड 2 लीटर, और उसका जो ब्लड लॉस है वो 2 लीटर ब्लड लॉस हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन बी ड्यूडेनल अल्सर, ऑप्शन सी मेलोरी वेस टीयर एंड ऑप्शन डी इसोफेजियल वेरिसेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्यूडेनल अल्सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी अकर मोस्ट लाइकली इन पेशेंट हु कंज्यूमिंग वेगन डाइट। तो इसमें पूछा गया है कि जो वेगन डाइट कंज्यूम करने वाले जो पेशेंट है उसके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, ओके। अब वेगन डाइट क्या होती है? वेगन डाइट होती है शाकाहारी, ओके शाकाहारी जो डाइट होती है वो वेगन डाइट होती है, और उसके अंदर किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
विटामिन B12, ओके, जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है, ओके, क्योंकि इसके अंदर मीट शामिल नहीं किया जाता है, मीट के अंदर विटामिन B12 भी पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है, ए 50 ईयर ओल्ड कार्डियक पेशेंट, एक 50 ईयर कार्डियक पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हिज सीरम पोटेशियम लेवल इज 3.2 मिलीक्विलेंट पर लीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक ड्रग्स शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब टू दिस पेशेंट, कौन सी डायूरेटिक ड्रग्स है जो इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड नहीं की जाती है। ऑप्शन है स्पाइरोनोलेक्टोन, ऑप्शन बी एमाइलोराइड, एंड ऑप्शन सी फ्रूसोमाइड, एंड ऑप्शन डी ट्राइमेट्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रूसामाइड, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है, नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर इज, तो नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन ए लेस देन 3 mmHg, ऑप्शन बी 3 to 5 mmHg, ऑप्शन सी 5 to 10 mmHg, एंड ऑप्शन डी 10 to 12 mmHg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 to 10 mmHg। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म सीन इन पेरिटोनाइटिस इज, तो पेरिटोनाइटिस के अंदर कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन है इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, स्टेपाइलोकोकाई एंड क्लेब्सिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इकोलाई, ओके। पेरिटोनाइटिस जो डिजीज है उसके अंदर मोस्ट कॉमन इकोलाई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज की। तो इसका ऑप्शन है हेड, एम्पुला, बॉडी एंड टेल। तो राइट आंसर इज हेड, ओके। हेड के अंदर मोस्ट कॉमन पेनक्रियाज कैंसर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वोकल कॉर्ड पाल्सी इज इन थायराइड सर्जरी इज ड्यू टू इंजरी टू, तो ऑप्शन है सुपरफिशियल लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, एंसा कर्विकेलिस एंड वेगस नर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कॉमनेस्ट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर इज, तो पेप्टिक अल्सर की कॉमनेस्ट साइट कौन सी होती है। ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ऑप्शन बी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ऑप्शन सी डिस्टल 1/3 ऑफ स्टोमक, एंड ऑप्शन डी पाइलोरस ऑफ द स्टोमक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इसके अंदर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन ट्यूमर कौन सी होती है, इंसुलिनोमा, गेस्ट्रियोमा, वीआईपीओमा, ग्लूकागोनोमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसुलिनोमा, ओके। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 29 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विथ एक्यूट पेन एब्डोमिन, एक 29 ईयर की लेडी है जो कि प्रेजेंट कर रही है एक्यूट पेन एब्डोमिन है, कॉन्स्टिपेशन एंड वोमिटिंग है उसके अंदर, सस्पेक्टिंग एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और उसके अंदर सस्पेक्ट होता है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन।
द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट इज, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, तो ऑप्शन ए एक्सरे एब्डोमिनल इरेक्ट पोस्चर, ऑप्शन बी बेरियम एनिमा, ऑप्शन सी यूएसजी एंड ऑप्शन डी सीटी स्कैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सरे एब्डोमिन इरेक्ट पोस्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन इन किडनी ट्यूबरक्लोसिस, जो किडनी ट्यूबरक्लोसिस है उसके अंदर मोस्ट कॉमन रूट कौन सा इन्फेक्शन होने का। ओके, किडनी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है, असेंडिंग स्प्रेड, हिमेटोजेनेसिस, लिम्फेटिक स्प्रेड एंड डायरेक्ट इन्वेजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमेटोजेनेसिस, हिमेटोजेनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एब्सेंस ऑफ फ्रक्टोज इन सीमन इंडिकेट्स, अगर सीमन के अंदर फ्रक्टोज एब्सेंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्शन टू सेमाइनल वेसिकल, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्शन एट प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा एंड वास डिफरेंस ऑब्स्ट्रक्शन एंड टेस्टिकुलर फेलियोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्शन टू सेमाइनल वेसिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन परसिस्टेंटिंग वोमिटिंग एक्सेप्ट, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन परसिस्टेंट वोमिटिंग, एक परसिस्टेंट वोमिटिंग है, लगातार वोमिटिंग हो रही है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट हाइपोकेलेमिया, डिक्रीज पोटेशियम इन यूरिन, एलिवेटेड पीएच ऑफ ब्लड, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिक्रीज पोटेशियम इन यूरिन। ओके, अब डिक्रीज इसके अंदर हाइपोकेलेमिया भी होता है, एलिवेटेड पीएच ऑफ ब्लड होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी होता है। ओके, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है उसके अंदर, और डिक्रीज पोटेशियम इन यूरिन ये नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज पोटेशियम इन यूरिन होता है। ओके, इसलिए इसको एक्सेप्ट में माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है पेनलेस इफ्यूजन इन जॉइंट इन कॉन्जिनाइटल सिफिलिस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्लूटॉन्स जॉइंट्स, ऑप्शन बी बेंटॉन्स जॉइंट्स, ऑप्शन सी चारकोट्स जॉइंट्स एंड ऑप्शन डी साइनोवाइटिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लूटॉन्स जॉइंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अर्लीस्ट साइन ऑफ डीप वेन थ्रोमोसिस, डीप वेन थ्रोमोसिस का अर्लीस्ट साइन क्या होता है। ओके, डीवीटी इसका अर्लीस्ट साइन क्या होता है, कॉप टेंडरनेस, रेस इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, स्वेलिंग ऑफ कॉप मसल्स एंड होमन साइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉप टेंडरनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ए 36 मंथ ओल्ड गर्ल सो फ्रंटल बोसिंग, ओके एंड ब्रिस्ट एनलार्जमेंट डायग्नोसिस इज, एक 36 मंथ ओल्ड गर्ल्स है जिसमें फ्रंटल बोसिंग एंड ब्रिस्ट एनलार्जमेंट हो गया है, तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा, ऑप्शन है रिकेट्स, स्क्रवी, यहाँ पे स्क्रवी है ये, ओके स्क्रवी, बेरी बेरी एंड ऑस्टियो मलेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिकेट्स, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रंटल वॉशिंग एंड ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, इसके साइन किसके होते हैं, रिकेट्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स द बेस्ट मेथड इज, फिल्म शो, चार्ट एंड एग्जिबिट्स,
रोल प्लेइंग एंड टेलीविजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोल प्लेइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्वेश्चंस आपके लिए है और ये आपको करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 एन इन्फेंट विथ CHF कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, एक इन्फेंट है जिसको कंजस्टिव हार्ट फेल्योर है, इज ऑन डायूरेटिक थेरेपी, जो डायूरेटिक थेरेपी में है। विच एप्रोप्रिएट मेथड इज यूज टू असेस द यूरिनरी आउटपुट। ओके, समझ में आया। एक पेशेंट इन्फेंट है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर का, जिसको डायूरेटिक थेरेपी के अंदर रखा गया है, तो उसको विच एप्रोप्रिएट मेथड इज यूज टू असेस यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट को चेक करने के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड यूज किया जाएगा उसके अंदर। तो ऑप्शन ए है वेजिंग द डायपर्स, ऑप्शन बी इंसर्ट कैथेटर, ऑप्शन सी कंपेयर इनटेक आउटपुट चार्ट्स, एंड ऑप्शन डी मेजर वाटर एडेड टू फॉर्मूला। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, अगर नहीं आए फिर भी बताना है, क्योंकि आपको कहीं से कहीं सर्च करके ज़रूर बताना है। अगर नहीं आए तो मेरे को बताओ, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।